चलेगा, इसका बेंचमार्क सेट हो गया भाई यहाँ पे। तो भाई भाई क्रॉसिंग में ना वैसे हमारे उस एरिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हरियाली है भाई। तो फाइनली मेरा जो ब्रेकफास्ट आ चुका है नीचे, मतलब रखते चलो ग्लव्स की हालत भाई, ग्लव्स भाई बिल्कुल गीले पड़े हैं। साथ में अच्छे ग्रुप के साथ एक बार राइड करेंगे, तो देखते हैं पॉसिबली नेक्स्ट संडे। तो अपनी ट्यूब भाई यहाँ तक आ जाइए, और भाई वो है ये बंदा, ये शाम को भाई डेली चाबी उठा लेता भाई। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डे अनदर व्लॉग। भाई मंदिर वंदिर होके आ चुके भाई, सावन का पहला सोमवार भाई, सबको भाई मुबारकबाद। और भाई मंदिर जाके अभी अभी जस्ट हो गया है भाई, सोसाइटी में मंदिर होने का ना फायदा तो भाई बहुत है, वरना ना बाहर जाते थे ना तो भाई इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगते थे ना, कम से कम आधा आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगती है भाई गौर सिटी में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर, क्योंकि ना जिस दिन होता है ना हम लोग मंदिर जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमेशा हम लोग भाई बाहर ही ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। तो अभी हल्दीराम चलते हैं और वहाँ पर ना एक काम भी है, तो उस काम को भी निपटा के आएंगे। तो बस सीधा निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं हल्दीराम, हल्दीराम पर बैठ के भाई ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यार हम तीनों भोले के भक्त भाई निकल चुके हैं भाई अपना ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट क्यों करने जाते हैं बताओ नीलम? घर में नहीं बनाते इसलिए। घर में बनाती नहीं भाई, ये जिस दिन पूजा करने आना होता है ना, ये कोई बात नहीं यार, मजेदार चीज़ है भाई, अच्छा लगता है मेरे को भी ना बाहर जाके वहाँ पे खाना ना। तो जिस दिन मतलब अब ऑलमोस्ट मतलब चार पाँच सोमवार तो भाई जाएंगे ऐसे, जिसमें हम बीकानेर हल्दीराम है, यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है साला, बीकानेर और हल्दीराम ना समझ में नहीं आता कौन सा भाई। मैं तो पता बीकानेर को हल्दीराम और हल्दीराम को बीकानेर मतलब हमेशा गलत ही बोलता हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। दोनों का मतलब थोड़ा सा एक जैसा था, बेंचमार्क जैसा है ना, तो इस वजह से भाई मेरे को समझ में नहीं आता। बाकी क्रॉसिंग जाना है, क्रॉसिंग में पास में है और यहाँ पे ना जो है ना गौर सिटी में इतने हल्दीराम और बीकानेर खुल चुके हैं ना भाई, कुछ खुल चुके हैं कुछ खुलने वाले हैं, लेकिन भाई नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। अब दिखाता हूँ भाई आगे आगे भाई वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है। हाँ शायद इस जगह का ना इस बंदे ने भाई जनरेटर लगा दिया है और यहीं पे भाई पूरी लाइट वाइट बांध देगा। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है पता नहीं भाई, मेरे को लग रहा है इसका बेंचमार्क सेट हो गया भाई यहाँ पे। तो भाई इस जगह का नाम क्रॉसिंग पता क्यों है? क्योंकि ये यहाँ से क्रॉस होती भी जाती है। और ये देखो अंकल जी बिल्कुल सड़क के बीच में, अंकल जी उल्टे, हाँ नहीं बूढ़े लोग उल्टे फोन से बात करते हैं, पुराने जो फोन होते हैं ना ये इनको आवाज नहीं आती ढंग से, स्पीकर की साइड स्पीकर ऑन करके स्पीकर भी नहीं ऑन करते, इनको पीछे से ज्यादा अच्छी आवाज आती है। तो भाई हम लोग भाई कुछ कुछ ऐसी जगह पर पतली पतली संकरी गलियों में, संकरी गलियों का तो मतलब पता ही होगा तुम लोगों को। अरे मैं जनता से बात कर रहा हूँ भाई, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुमको तो मैंने पूरा मतलब तलाश दिया है अपने साथ। तो यार बाकी मस्त चल रहे हैं यहाँ से, और भाई दो मिनट का मैक्स टू मैक्स सस्ता है। और एक और काम निपटाना है भाई, जो भाई चश्मा लेके आया था ना भाई उसकी कहानी बतानी है तुम्हारे को, वो टेढ़ा आ गया भाई टेढ़ा। भाई क्रॉसिंग में ना वैसे हमारे उस एरिया के मुकाबले भाई बहुत ज़्यादा हरियाली है भाई, देखो कितने हरे भरे पेड़। हमारे वहाँ पे भी भाई कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए मतलब ना पेड़ लगाए जाए तवेद से, कि बिल्कुल ना गौर सिटी को ढक दिया जाए पेड़ों से। यार मस्त है, क्रॉसिंग भी अच्छी जगह है और गौर सिटी टू भी अच्छी जगह है, टू वन दोनों अच्छी जगह है, लेकिन पेड़ वेड़ थोड़ी कमी है, पेड़ वेड़ के हिसाब से थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहिए था, बीच में डिवाइडर है ना वहाँ पे नहीं है यार। सो अपन लोग भाई पहुँच चुके भाई ये क्रॉसिंग वाले में, और बाकी यार यहाँ के ना भाई छोले पूड़ी ना भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि भाई आके ना भाई ज़रूर ट्राई करो, बहुत बढ़िया है। बाकी लड़का यहाँ पे खेलने में लगा पड़ा है, एक अभी छोले पूड़ी ऑर्डर करने गए हैं और दूसरा भाई जाएंगे, दूसरा है छोले भटूरे, तो ये दोनों चीज़ खाएंगे फिर देखते हैं और कुछ ऑर्डर करना होगा तो करेंगे। सो फाइनली मेरा जो ब्रेकफास्ट आ चुका है, इस लड़की ने पहले ही पराठा खा लिया, अब मैं खाऊंगा ये, आवाज़ रही होगी कार्टून की भाई झेल लो। सो यार लेंस कार्ट पे जाके भाई मैंने वो चश्मा ना रिटर्न क्या मतलब रिफंड ले लिया उसका। वो क्यों लिया? क्योंकि भाई वो चश्मा टेढ़ा आ रहा था, मतलब एक फिटिंग होती है ना कि मतलब चश्मा ना पहन के आप कंफर्टेबली घूम लो, उसको मतलब ऐसे नहीं घूम पा रहा था वो ना, एक तरफ से ना ऊपर चढ़ रहा था और उनके पास भी जो रखा हुआ था ना उसमें भी सेम इशू यही था, तो इस वजह से मैंने ना भाई उसको रिटर्न ही मतलब रिफंड ही इनिशिएट करवा लिया। और उसके अलावा ना मेरे को वहाँ पर चश्मा ऐसे कोई पसंद नहीं आया था, वो आई कैचिंग था
इस वजह से भाई मैंने ले लिया था, बाकी उसको भाई रिफंड कर दिया। देते हुए थोड़ा सा दुख तो हुआ, तो क्या तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यार कोई बात नहीं, हम कुछ और अच्छा मंगवाएंगे, बेटर हमेशा अवेलेबल होता है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो भाई, किसी एक चीज़ के पीछे मत रखो, भागते चलो भागते चलो भागते चलो। सर कल भाई जितने भी ना कांड हुए थे ना भाई, जितने हमने मस्ती गई थी, उन सबको ना फिक्स आज करना पड़ रहा है मेरे को। बाकी ये पड़ा हुआ हेलमेट गीला पड़ा बिल्कुल अंदर से भी, इसको धुलना है। राइडिंग शूज़ तो भाई बिल्कुल अंदर से भाई पानी पानी हो रखे हैं, वो तो बिल्कुल मतलब ना उनमें तो ना मतलब बहुत टाइम लगेगा उनको धोने में, उनको धुलना है। और ग्लव्स की हालत भाई, ग्लव्स भाई बिल्कुल गीले पड़े हैं। तो इन सब ये तो ये गोप्रो, तो गोप्रो मैंने आते ही सुखाया भाई ड्रायर मार के, फ़ोन सुखाया। फ़ोन आईफोन में तो एक दिक्कत और हो गई थी, चार्जिंग लगाते बोल रहा था कि इसमें ना पानी आ गया, तो इमरजेंसी चार्जिंग करनी हो तो कर लो मतलब अपने रिस्क पे। तो उसको भाई इमरजेंसी चार्जिंग भी चार्ज किया रिस्क ले, तो वो एक चीज़। बाकी वॉलेट वगैरह सब कुछ भीग चुका है, बाइक के कपड़े वगैरह भाई सब भीग चुके हैं। तो इनको भाई आज तो धूप निकली नहीं है, अब देखो कल परसों, वैसे पूरा वीक ऐसे निकलने वाला है, तो ये जो वीक है भाई पूरा बारिश में निकलेगा, तो इस वीक तो भाई ऐसे रहेगा, पता नहीं कब तक सूखेंगे, इनको कुछ नहीं पता। बाकी देखते हैं जैसा भी होगा। और मौसम हमारे यहाँ पे भाई बढ़िया ही रखा है, बाहर ज़्यादा अच्छा है, बाहर निकल के ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और घर के अंदर थोड़ी सा मतलब ऐसे हो रहा है ह्यूमिड टाइप का होता है वैसे दिक्कत। बाकी सोसाइटी भाई कुछ कुछ ऐसी लग रही है सोसाइटी भाई, और अच्छा खासा मतलब फॉगी फॉगी सा मौसम हो रखा है। बाकी देखते हैं अभी शाम को, सुबह से भाई काफ़ी व्यस्त थे, देखते हैं बाकी भी क्या करते हैं। लड़का मेरा ना उधेड़बुन करने में लगा पड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसको देखो भाई, ये भाई बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ से सारा सामान निकाल रहा है। तो थोड़ा सा फिक्सिंग में लगा पड़ा हूँ, अभी इसको ड्रायर से सुखाया, अब इसमें थोड़ा सामान रखता हूँ अपना। बाकी देखते हैं भाई कुछ करते हैं तो भाई दिखाते हैं ज़रूर। सर अभी हम लोग भाई जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, बाइक लेके जाएंगे, और मतलब मोटो व्लॉग वैसे नहीं करूँगा मैं, थोड़े बाद भाई गोप्रो से शॉट्स वगैरह ले लूँगा। बाकी नीलम की भी डिमांड है कि भाई उसको चूड़ी दिला के लेके आऊँ, आओ तेरी चूड़ी चाहिए मेरे को। मैंने कहा पहली बार तो चूड़ी मुझसे मांग रही है, मैंने कहा चल सावन है चूड़ी दिलवा के ला देता हूँ, और थोड़ा बहुत और सामान लेके आना है। तो पास ही महागुन है तो वहाँ चलेंगे, वहाँ से खरीद के लेके आएंगे। बाकी यार अब देख रहा हूँ कि है ना कुछ दिन बाद ना और दो चार लोग और ग्रुप में ऐड होके हम लोग बाइक राइड करें, नितिन को बुलाऊंगा मैं, अमित जी हो गए, और दो तीन लड़के मेरे को और बोलते हैं भाई बाइक राइड करने के लिए, तो उनको भी बुला लूँगा साथ में भाई, अच्छे ग्रुप के साथ एक बार राइड करेंगे। तो देखते हैं पॉसिबली नेक्स्ट संडे होगा, और यहाँ पे भाई शिवजी जी का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। काम तो नहीं बढ़िया, और बाइक हम लोगों ने जो पार्क करी ना बाइक भाई रोड के बिल्कुल उस पार पार्क करी है। तो बाकी अब यहाँ से निकल के बाइक उठा के सीधे, हाँ बाइक उधर साइड है भाई, बाइक उधर साइड नेक्स्ट टू द रोड। तो अपनी ड्यूक भाई यहाँ पर खड़ी हुई है, और पकड़ो भाई सामान पकड़ो, देहोरन चलने पे, तो चाबी लगाओ भाई गड्डी में चाबी पाओ, एक्सपर्ट हो चुका भाई ये बाइक स्टार्ट करने में। सर ये जो बाइक के एंगल वाले शॉट, बाइक में जो है लेता हूँ ना शॉट गोप्रो से, इसमें भी भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब ना कहाँ पे कैसे कैमरा लगाऊँ। और लोग जो लेते हैं जो इंस्टा 360 से लेते हैं, बाकी मैं गोप्रो से ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा खासा भाई शॉट आ जाए, वैसे लेते हैं लोग गोप्रो से भी, तो भाई मैं ट्राई करता रहता हूँ भाई कि जो एंगल भाई बेस्ट लगेगा इसका मैं थोड़ा
नीचे की साइड करके कैमरे को लिया था और आज मैंने थोड़ा भाई ऊपर की साइड करके कैमरे को लिया। तो बाकी जो शॉट अच्छा लगेगा भाई वो शॉट भाई रेगुलर बेसिस पे डालते रहेंगे, बाकी ट्राई करता हूँ भाई। तो जो भी शॉट अगर आपको अच्छा लगे ना तो भाई बताया ज़रूर करो कि क्या अच्छा लग रहा है, तो हिसाब से भाई एडजस्ट करके ना उसको हम डालते रहा करेंगे। बाकी सिनेमैटिक वगैरह आज तो वैसे बेसिकली घर ही घर में ज़्यादा ब्लॉग रहा, थोड़ा बहुत ही बाहर निकले। बाकी राइडिंग वगैरह का भाई जो भी प्लान होगा ना भाई बताते रहेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट भाई राइड कर ही रहे हैं आजकल भाई बाइक को ना, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर राइड कर ही रहा हूँ। और बाकी अमित जी के साथ भी भाई प्लान बन गया कि संडे को कोशिश करा करेंगे कि भाई एक राइड ज़रूर मारें। और जो राइड करने का जो सबसे तगड़ा कारण है ना भाई वो है ये बंदा। ये शाम को भाई डीडी चाबी उठा लेता भाई कि पापा मुझे लेके चलो किसी भी तरीके से, भाई दरवाजे पे लेके जाता भाई। तो भाई इसके चक्कर में ना मैं बाकी दोबारा से मतलब अपनी राइडिंग वाली इसमें आ रहा हूँ, तो यही करवाएगा भाई अच्छा चलेगा। चलो हाई कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो। वाइक वाइक सुबह की यार अभी भाई मैं कुछ कंटेंट देख रहा था। बाकी आजकल ना वैसे लोगों को जो कंटेंट देखना पसंद है ना वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड देखना पसंद है, मतलब कि ना पैसा रुपया ये सब चीज़ें। बाकी मैंने बहुत सारे भाई ऐसे मतलब यूट्यूब के बंदे देखे हैं जो मतलब ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन स्टिल यार उनकी भाई वीडियोज़ नहीं देखते हैं। वीडियोज़ भाई मेरी भी नहीं देखते हैं, मेरे को उस चीज़ का भाई कुछ वो नहीं है। मैं भाई लो एफर्ट कंटेंट बनाता हूँ, इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं है, मतलब मेहनत है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है मतलब जो बंदे वो करते हैं। बाकी बहुत समय देखता हूँ भाई इतनी तगड़ी तगड़ी ट्रैकिंग करता हूँ उनके वीडियोस पे भी व्यू भाई मेरे जितने रहते हैं ना उतने ही उनके पे व्यू रहते हैं। तो ऐसे लोगों का भाई कंटेंट भाई देखना चाहिए, आपको खुद इंटरेस्ट आएगा। उनके दो तीन ब्लॉग्स देखोगे तो खुद इंटरेस्ट आएगा। बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है उनके कंटेंट में भाई, जो लोग दिखाते हैं सुपर कार सुपर बाइक्स और उनके पे भाई इतने ज़्यादा व्यूज़। तो यार ऐसे लोगों का कंटेंट भाई जरूर देखा करो जो भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं अपने वीडियोस को बनाने के लिए, चाहे उनकी एडिटिंग अच्छी नहीं होती लेकिन भाई उनका कंटेंट में ना मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई ऐसे लोगों को भाई ज़रूर सपोर्ट करा करो, अपने यूपी हरियाणा उत्तराखंड भाई ऐसे जगह के लोग ना बहुत ज़्यादा भाई मेहनत करके ऐसी ट्रैवलिंग वाली वीडियोज़ बनाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा करो। बाकी इस ब्लॉग को यार यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई करके भाई जरूर जाना। आप सोचोगे भाई रसोई में स्टैंड लगा रात हो रही भाई, अपने लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाता हूँ तो भाई अपना स्नैक बना के रात को खाऊंगा। तो बाकी इस वीडियो को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो भाई, ज़िंदगी में मज़े करते रहो। बाय बाय।